Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज पग मार्क्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पग मार्क्स, व्हाट आर द डिफरेंट पग मार्क्स एंड व्हाट इज द फॉरेंसिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पग मार्क्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पग मार्क्स। सो फुटप्रिंट्स ऑफ लार्ज एनिमल्स आर कॉमनली नोन एज पग मार्क्स। पग मार्क्स को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो पग मीन्स फुट एंड मार्क्स मीन्स प्रिंट और इम्प्रेशन। दैट मीन्स जो भी लार्ज एनिमल्स है उनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनको हम पग मार्क्स बोलते हैं। वी ह्यूमन बींग्स हैव यूनिक फिंगरप्रिंट एज वेल एज फुटप्रिंट्स। जैसे हम सबको पता है कि सारे ह्यूमन्स का फिंगरप्रिंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, एज वेल एज हमारा फुटप्रिंट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। लाइकवाइज एवरी एनिमल ऑल्सो हैज अ डिस्टिंक्ट पग मार्क्स। दैट्स वाई इट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। हम बोलते हैं हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, वर्ल्ड में किसी भी दो पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। ठीक उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं उनके भी पग मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट पग मार्क्स वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सच एनिमल्स। बेसिकली स्पोर इज द करेक्ट नेम ऑफ द पॉ प्रिंट ऑफ एन एनिमल। जो भी पॉ प्रिंट मिलता है एनिमल का उसका करेक्ट वर्ड है स्पोर। बट जो टाइगर का फुटप्रिंट होता है उसको हम पग मार्क्स बोलते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे फुटप्रिंट्स और पग मार्क्स कैसे है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बीइंग का जो फुटप्रिंट है और जो शू प्रिंट होता है वो यूनिक होता है, या सपोज कोई व्हीकल होता है उसका टायर मार्क होता है। लाइकवाइज ये ह्यूमन का और व्हीकल का जो इम्प्रेशन आता है उसको सपोज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के लिए हम उसको फुटप्रिंट, शू प्रिंट, व्हीकल को हम टायर मार्क्स बोलते हैं। लाइकवाइज जो मेगा एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका जो फुटप्रिंट होता है उसको हम पग मार्क्स बोलते हैं। अब इस पग मार्क्स से हमें क्या क्या पता चलता है, दैट इज द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल, इट्स सेक्स, एज एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ एन एनिमल इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस पग मार्क्स। इन इंडिया सर्टन पीपल आर ट्रेन्ड इन दिस फील्ड। इंडिया में जो कुछ सर्टन पीपल्स है वो पीपल को एक एनिमल का पग मार्क होता है, उस पग मार्क को आइडेंटिफाई करके ये कौन से एनिमल का पग मार्क होगा ये पहचानने की एक कला है। या सच पीपल्स आर ट्रेन इन सच फील्ड एंड दीज पीपल्स आर नोन एज खोजिस। नाउ सी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पग मार्क्स। पग मार्क्स आर स्पेशली फाउंड इन अलोंग द रिवर बैंक। जहां पर भी कोई रिवर है तो उसका अलोंग जो रिवर बैंक होता है वहां पे हमें ये पग मार्क्स मिल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सैंड ऑन लेक, बीच, रिजर्वायर एटसेट्रा। ये लेक के ऊपर, बीच पर या रिजर्वायर के ऊपर ये एनिमल पानी पीने के लिए आते हैं, तो हमें वहां की जो सैंड होगी और वहां का जो एरिया होगा वहां पर भी ये पग मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया मीन्स कि जहां पर ऐसी सैंड होगी तो उस सैंड के ऊपर भी हमें ये पग मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे हमने याद रखा रिवर बैंक के ऊपर मिल सकते हैं, लेक, रिजर्वायर, बीच, यहाँ पर जो सैंड है वहां पर भी हमें ये पग मार्क्स मिलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट पाथ एंड रोड्स नियर बाय। मीन्स कि ये सारे वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में, जंगल में होते हैं तो वहां पर हमें जो उनका रेगुलर पाथ होगा वहां पर भी ये पग मार्क्स मिल सकते हैं। या फॉरेस्ट में जो भी कोई रोड होगा उसके आजू बाजू में भी हमें ये पग मार्क्स मिल सकते हैं। देन ऑन मड एज वेल एज स्नो, देन एनी फार्म्स, डस्टी और डैम्प ग्राउंड के ऊपर भी हमें ये पग मार्क्स मिल सकते हैं। बेसिकली जो सीजन होता है दैट इज द रेनी सीजन और एटम इज द बेस्ट सीजन टू फाइंड आउट दिस पग मार्क्स। क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, सॉइल वेट होने के कारण वहां पे मड बनता है और उसके ऊपर ये प्रोमिनेंट पग मार्क्स हमें दिखाई देते हैं। इसलिए ये रेनी सीजन एंड एटम इज द बेस्ट टाइम फॉर द कलेक्शन ऑफ दिस पग मार्क्स। नाउ पग मार्क्स आर यूज्ड फॉर, व्हाई वी लर्न पग मार्क्स।
So pugmarks are used for the census purpose. That means for counting the number of animals of particular species in particular area. Means ki jo bhi koi ek particular forest hoga ya particular area hoga, to wahan par number of animals kitne hai, kaun se species ke kitne animals hai, ye counting karne ke liye hum pugmarks ka use kar sakte. लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है तो वहां पर हर एक पर्टिकुलर एरिया में या हर एक फॉरेस्ट में हम ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगा के रख देते हैं कि वहां पर जितने भी एनिमल्स आते हैं तो उस एनिमल को कैप्चर करके हम ये फोटोग्राफ्स के थ्रू या सीसीटीवी के थ्रू हम ये काउंट या सेंसस काउंट कर सकते हैं। या फिर अभी जियो टैगिंग भी आया है, बहुत सारे लेटेस्ट टेक्निक आई है एनिमल का सेंसस करने के लिए। बट पहले के टाइम पे ये ऑन द बेसिस ऑफ पगमार्क्स we can identify the number of animals of particular species in given particular area. The next one is for path direction. That means on the basis of pug marks we can trace the direction of animal track. That means animal kahan se kahan move ho gaye, to ye hum unka direction of track on the basis of pug marks find out kar sakte. Yahan pe dekho dikhaya gaya ki yahan se yahan tak animal gaye honge, so ye on the basis of pug marks we can identify the direction of animal track. Then sex ratio of different animals can be found out. That means in given particular area mein ya given forest mein kitne male kitne female hai, aise hum uska sex ratio of different animals can also be found out. Then identification of individual animals, jaise humne dekha ki kaun kaun se animals wahan pe hai, ya on the basis of pug marks we can identify a particular animal. Then presence of different species in a particular geographic area. एक particular जो geographic area होगा, जो forest होगा, वहाँ पे कौन-कौन से और कितने species वहाँ पे हैं, ये हम on the basis of pugmarks find out कर सकते हैं। Then physical condition of the animal. Suppose कोई animal है, वो injured है, तो injured होने के कारण जो हमें track मिलता है या pugmarks मिलते हैं, तो on the basis of that we can identify the physical condition of that particular animal. As well as on the basis of pug marks we can identify the age of animal also. So for this purpose in forensic science or in wildlife forensic we learn these pug marks. Now see how the pug marks are measured, that is measurement of pug marks. So pug marks mein ek फर्स्ट टर्म है, दैट इज पग मार्क लेंथ, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज पीएमएल, दैट इज पग मार्क लेंथ। व्हाट इज द पग मार्क लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द फार्देस्ट टू टू द बेस ऑफ द पैड इज नोन एज पग मार्क लेंथ। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज पग मार्क ब्रेथ, दैट इज पीएमबी। व्हाट इज पीएमबी? The distance between the outer edge of the first toe and the last toe is known as pug mark breadth. यहाँ पे हम देख सकते हैं pug mark breadth हम किसको बोलेंगे? The distance between the outer edge of the first toe. ये first toe होगा, इसका जो outer edge होगा, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपना last toe होगा, ये दोनों के बीच में जो distance है, उसको हम pug mark breadth बोलेंगे। एंड पग मार्क लेंथ कौन सा है? डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द फार्देस्ट टू, ये सपोज सबसे दूर वाला या फार टू होगा, वहां से लेके यहां तक जो एक पैड है, पैड का जो बेस है, वहां तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे पग मार्क लेंथ। तो पग मार्क लेंथ क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ फार्देस्ट टू टू द बेस ऑफ द पैड। एंड पग मार्क ब्रेथ क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एज ऑफ फर्स्ट टू एंड लास्ट टू इज नोन एज पग मार्क ब्रेथ। देन नेक्स्ट है फ्रंट पग मार्क्स कौन से होंगे एंड हिंड पग मार्क्स कौन से होंगे, ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सो बेसिकली फ्रंट पग्स आर लार्जर देन हिंड पग्स, जो आगे वाले पग्स होते हैं वो पीछे वाले पग्स से लार्ज होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड पॉइंट अप टू मिडल टूज इन फ्रंट पग्स आर नियरली एट द सेम लेवल, ये कैसे होता है हम फिगर में देखेंगे। देन वेयर एज द फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ टू मिडल टूज इन हेड पग्स आर एट डिफरेंट लेवल्स,
क्या बोला हमने यहाँ पे फ्रंट पक्स को और हिंड पक्स को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फ्रंट पक्स आर लार्जर देन द हिंड पक्स, जो पीछे वाले पक्स होंगे उससे ये फ्रंट वाले पक्स या पग मार्क्स लार्जर होंगे। देन फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ टू मिडल टूथ्स, ये देखो यहाँ पे दो या टू मिडल पक्स है, सॉरी टू मिडल टूथ्स है, इनमें क्या है फ्रंट पक्स आर नियरली एट द सेम लेवल, तो ये दो जो फ्रंट वाले या मिडल वाले टूथ्स है वो नियरली सेम डिस्टेंस पे, वेयर एज द फॉरवर्ड पॉइंट्स ऑफ टू मिडल टूथ्स इन हिंड पक्स आर एट डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा फ्रंट साइड पे और दूसरा बैक साइड पे, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कि दे आर एट डिफरेंट लेवल, बट यहाँ पे वेयर एज फ्रंट पेज फ्रंट पग में वो सेम लेवल पे हो सकते हैं। सो दिस इज द फ्रंट पग मार्क्स एंड दिस इज हिंड पग मार्क्स। द नेक्स्ट वन इज मेल पग मार्क्स एंड फीमेल पग मार्क्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो द मेल पग मार्क्स आर नियरली स्क्वेयर शेप्ड, दैट इज द मेल पग मार्क्स आर स्क्वेयर शेप में मिलते हैं हमें, वेयर एज फीमेल पग मार्क्स आर नियरली रेक्टेंगुलर इन शेप। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएट है मेल पग मार्क्स हैव राउंडेड टू शेप, जो टूज होते हैं वो राउंडेड होते हैं, वेयर एज इन फीमेल में पग मार्क्स हैव इलोंगेटेड टू शेप। तो कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएट मिलते हैं हमें मेल पग मार्क्स और फीमेल पग मार्क्स में, तो मेल पग मार्क्स आर नियरली स्क्वेयर शेप्ड, ये स्क्वेयर शेप्ड होते हैं, और मेल पग मार्क्स हैव राउंडेड टू शेप, ये जो टू होते हैं इनका शेप है वो राउंडेड है। फीमेल में क्या होता है फीमेल पग मार्क्स आर नियरली रेक्टेंगुलर शेप्ड, रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, वेयर एज ये जो टू होता है उनका शेप इलोंगेटेड शेप वाले टूज फीमेल में मिलते हैं। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल पग मार्क्स एंड फीमेल पग मार्क्स। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ पग मार्क्स, ठीक है, जो पग मार्क्स मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज ह्यूमन में हमें जो फुटप्रिंट्स मिलता है फिंगरप्रिंट्स मिलता है उसको हम कलेक्ट करके फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जाके उसका स्टडी करते हैं, लाइकवाइज जो हमें फॉरेस्ट में पग मार्क्स मिलेंगे तो उस पग मार्क्स को हम कैसे कलेक्ट करेंगे ये इसमें देख लेते हैं, दैट इज द कलेक्शन ऑफ पग मार्क्स। तो उसमें फर्स्ट जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको बोला जाता है पिप्स, दैट इज पग इंप्रेशन पैड्स, दे आर लेड डाउन अलोंग द रूट्स वेयर द एनिमल्स आर फ्रिक्वेंटली ऑकर्स, दैट मीन्स हमने देखा अभी जो पाथ होता है एनिमल्स का या ऐसा कौन सा एरिया होता है कि जहां पर एनिमल्स आर फ्रिक्वेंटली विजिटेड, फॉर एग्जांपल लेक हो सकता है रिजर्वायर हो सकता है कि वहां पे एनिमल्स नंबर ऑफ टाइम्स पे आते हैं, तो उस एरिया में या उस रूट में हम ये पग इंप्रेशन पैड्स को ले डाउन करेंगे। सो इसके ऊपर एनिमल आने के बाद जो पग मार्क्स इंप्रेस होंगे तो उसको हम उठा के उस पग मार्क्स को स्टडी कर सकते हैं। The next one is tiger tracer. What is tiger tracer? Tiger tracer में क्या किया जाता है? Suppose for example ये pug marks होगा, तो उसके ऊपर ऐसा एक tracer होता है। उस tracer से हम ये जो pug marks का impression होगा, उसका outline को हम draw करेंगे या trace करेंगे। तो उसको बोलते हैं हम tiger tracer. And last one, that is advanced technique is a digital photography. जो pug marks हमें मिलेगा, तो उसका directly हम digital photography करेंगे। So these are the techniques for the collection of the pug marks. So friends, इस वीडियो में हमने देखा pug marks क्या है, pug marks को हम कैसे differentiate करते हैं, forensic point of view से pug marks को क्यों हम study करते हैं, and the collection of the pug marks. Thanks for watching our channel, that is Forensic Search. Thank you.